प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्टोरी। टाइटल है ए हीरो, का मतलब होता है नायक। राइटर हैं आर के नारायण एक साउथ इंडियन राइटर हैं। जब इनकी रचना आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि साउथ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसका झलक इनके स्टोरी में देखने के लिए मिलता है। इनकी प्रमुख रचना है द गाइड, और एक और है आपको मालगुडी डेज, और ये हीरो उन्हीं में से एक है। अब स्टोरी शुरू करते हैं। फोर स्वामीनाथन इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामीनाथन के लिए एक घटना अप्रत्याशित मोड़ लिया। अप्रत्याशित मोड़ का मतलब यह है कि वह नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन उनके जीवन में जो घटना हुआ, ना चाहते हुए हुआ, और उनके जीवन को बदल के रख दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं मानव के जीवन में होती रहती है, और एक लेजेंड कहला जाता है। उसी प्रकार से इनके साथ भी ये घटना हुआ, तो जाके यह हीरो बने हैं। कैसे बने हैं यह देखते हैं स्टोरी में। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर ए हॉल लैम्प एंड सेड। स्वामीनाथन के पिताजी हॉल में लैंप के पास न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कहते हैं, स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी अपने बेटे को कहते हैं कि यह सुनो, न्यूज़ टुडे इज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेड। हो कह रहा है यहाँ पे एक गांव के लड़के की बहादुरी की समाचार सुनो। हु जो व्हाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ, जब वह जंगल के रास्ते घर वापस आ रहा था, कैम फेस टू फेस ए विथ ए टाइगर, तो उनकी सामना एक बाघ से हो गया, और आमने सामने आगे कर रहा है द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय एंड विथ द टाइगर एंड हिज फाइट अप ए ट्री। कह रहा है यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है वह उद्धृत करता है, दिखाता है बाघ और उस लड़के की लड़ाई के बारे में, और लड़ते लड़ते ही फ्लाइट अप ए ट्री, और वह लड़ते लड़ते एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ ए डे टिल सम पीपल कैम दैट वे एंड लाइक किल्ड द टाइगर। वह आधा दिनों तक उस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ रहा, जब तक कुछ लोग वहाँ पर आकर के उस बाघ को न मार दिए, तब तक वो आधा दिन तक वो चढ़ा रहा। स्वामीनाथन रिमार्क्ड, स्वामी नाथन जो है रिमार्क करते हैं, उल्लेखित करते हैं, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रोंग एंड ग्रोन अप पर्सन एट ऑल ए बॉय, हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर। आई थिंक मेरी समझ में ही मस्ट हैव बीन, वह अवश्य रूप से बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ा लड़का होगा सभी लड़कों में से। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है। यू थिंक यू आर वाइजर देन ए न्यूज पर फादर एस्नीड। एस्नीड का मतलब होता है कि हंसी उड़ाते हुए या उपहास करते हुए कहते हैं कि तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा होशियार समझते हो, ज़्यादा समझदार समझते हो। ए मैन
may have the strength of an elephant and yet be a coward. आगे कहते हैं, एक आदमी एक हाथी के बल के बराबर होता है, हाथी के बल जैसा होता है, और यहाँ तक कि एक डरपोक भी हो सकता है. Whereas another way, दूसरी तरफ यूं कहें, have the strength of a sparrow. दूसरी तरफ यूं कहें कि उसके पास से एक तिनका का भी बल हो सकता है. स्टेरो मतलब घास भूसा होता है, उसको तिनका भी बोला जाता है. उसके पास एक तिनका का भी बल हो सकता है. बट इफ़ ए ही हैज कॉरेज ही कैन डू एनीथिंग. यदि उसके पास साहस है तो वह कुछ भी कर सकता है. कॉरेज इज एवरीथिंग स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट. कॉरेज ही सारा कुछ सर्वशक्तिमान है. एज उसमें कोई मायने नहीं रखता. एज कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है. स्वामी डिड नॉट एग्री विथ दिस थ्योरी. स्वामी इससे सिद्धांत से सहमत नहीं हुआ. हाउ कैन इट बी फादर. ये कैसे हो सकता है पिताजी. सपोज आई हैव ऑल द कवरेज. वही लड़का कहता है कि मान लीजिए कि मेरे पास सारा साहस है. What can I do if a tiger should attack me? तो मैं क्या कर सकता हूँ जब एक टाइगर मुझ पर अटैक करता है या करना चाहिए. यहाँ पे कूड होना चाहिए लेकिन आपके बुक में सूड ही दिया हुआ है. यदि वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ जब एक टाइगर मेरे ऊपर आक्रमण करता है. लिव अलॉन्ग स्ट्रेंथ. अपने साहस को दिखाओ. कैन यू प्रूव यू हैव कवरेज. क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारे पास साहस है. लेट मी सी. मैं देखता हूँ. इफ़ यू कैन स्लीप अलॉन्ग टू नाइट इन माई ऑफिस. यदि मेरे ऑफिस में अकेले रात भर सो सकते हो तो मैं तुम्हारी साहस देखता हूँ. ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है कि सुझाव. एक डरा हुआ सुझाव था. स्वामीनाथन सोचा. He always slept beside his granny. ग्रैनी एक लड़का है यानी उसका बड़ा भाई है. वो उसके बगल में हमेशा वह सोता है. And any chance in this arrangement kept him trembling and awake all night. यदि इसमें कुछ बदलाव हो जाता है, इस प्रबंधन में कोई बदलाव हो जाता है, तो वह थरथराते रहता है और सारी रात जागे हुए रहता है. He hoped at first that his father was only joking. उसे यह आशा था कि मेरे पिताजी पहले मुझे यह जोकिंग कर रहे हैं, हमें जोक सुना रहे हैं. He mumbled weakly. वह धीरे से गुनगुनाया, भुनभुनाया. भुनभुनाना होता है ना, वही होता है यहाँ पे. वह धीरे से भुनभुनाया. From the first of next month, I shall sleep along father. सबसे पहले हम पिताजी के साथ आज सोएंगे. No, you must do it now. नहीं, तुम ये अवश्य रूप से करोगे. It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. पिताजी कहते हैं तुम अवश्य रूप से ये करोगे. It is disgraceful. यह बहुत ही लज्जाजनक है कि तुम ग्रैनी या अपने मम्मी के साथ में एक बच्चे की तरह उनके बगल में सोते हो. ये बहुत ही लज्जाजनक है. यू आर इन सेकेंड फॉर्म. अब तुम सेकेंड स्टेज में प्रवेश कर चुके हो, दूसरी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो. एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप. और मैं कभी भी ऐसा पसंद नहीं करूँगा कि तुम ऐसा करते हो. ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ.
ऐसा कहते हैं और वह अपनी पत्नी की ओर देखते हैं। हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो क्रेडल को हिला रही थी। क्रेडल मतलब होता है पालना, पालना को हिला रही थी। उसकी तरफ देखते हुए ये बात बोलते हैं। Why do you look at me while you are saying it? She asked. यानी स्वामीनाथन की जो मम्मी है वो कह रही है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो जब ऐसा तुम कहते हो। I hardly know anything about the boy. मैं शायद ही इस लड़के के बारे में कुछ जानता हूँ। No, no, I don't mean you, father said. स्वामीनाथन के पिताजी कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है। If you mean your mother is spoiling him, यदि मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बर्बाद कर रही है, tell her so, तो उसको जाके बोलो। And don't look at me, लेकिन मुझे मत देखो, she said. And turned away, ऐसा कहते हुए स्वामीनाथन की माँ वहाँ से चली गई। स्वामीनाथन्स फादर सेट ग्लूमली गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप। स्वामीनाथन के जो पिताजी है गोद में पेपर को रख करके उदासी भरा, उदासी से ग्लूमी मतलब होता है उदासी से उसको निहार रहे थे। गेजिंग मतलब होता है निहारना या गौर से देखना, पेपर को गौर से देख रहे हैं। स्वामीनाथ रोज साइलेंटली एंड टिपटॉइड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज। इसी दौरान जो है स्वामीनाथन वहां से उठा, साइलेंटली धीरे से उठा एंड टिपटॉय यानी पंजों के बल चलते हुए वहां से निकल करके बेड में जाकर के घुस गया। Presently, father came and stood over him. उसी समय उसके पिताजी वहां पे आते हैं और उसके पास में खड़े हो जाते हैं। स्वामी get up, कहते हैं स्वामी उठो, he said. उनके पिताजी कहते हैं उठो स्वामी। He looked like an apparition. Apparition का मतलब होता है कि ए पर्सन इन द सेमी डार्कनेस, ए पर्सन का मतलब होता है प्रेत आत्मा या यूं समझ लीजिए कि विचित्र वस्तु यानी प्रेत आत्मा ही कहेंगे। ही लुक्ड लाइक एन एपरिशन, एप्रिसिएशन मतलब अपैरिशन मतलब होता है प्रेत आत्मा यानी स्वामी देखते हैं कि एक यहाँ पे प्रेत आत्मा की तरह कुछ दिखता है। सेमी डार्कनेस यानी अर्ध डार्क अर्ध पारदर्शिता होता है कि वहाँ पे जो अंधेरा था उसमें देखते हैं कि एक प्रेत आत्मा की तरह यहाँ पे कोई खड़ा है। ऑफ द पैसेज उसी क्षण स्वामीनाथन स्टाइड एंड ग्रोन एज इफ इन स्लीप। स्टाइड मतलब होता है द्रवित होना यानी द्रवित मतलब होता है पिघल जाना। एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप और ग्रोन्ड का मतलब होता है कि कराहना, किसी को मारते हैं ना तो कराहता है उसी तरह से वो सोते हुए कराह रहे हैं। फादर सेड गेट अप स्वामी, उसके बाद भी उनके पिताजी कह रहे हैं कि स्वामी उठो। ग्रैनी प्लीड, ग्रैनी अनुनय विनय किया, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, आप उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, आप उन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। गेट अप स्वामी ही सेड फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार उनके पिताजी फिर से बोल रहे हैं कि स्वामी उठो।
एंड स्वामीनाथन गॉट अप, और वहाँ स्वामीनाथन जो है वह उठ गया। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। स्वामीनाथन लुक्ड एट हिज ग्रैनी, वो ग्रैनी की तरफ देख रहा है। उनके पिताजी उसको बोले कि उठो, और उठ गया। और यहाँ पे स्वामीनाथन जो है ग्रैनी की तरफ देखते हैं और वह आगे की ओर जाते हैं। हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, थोड़ा देर के लिए वह संकुचित हिचकिचाहट था उसमें। एंड फ्लोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और अपने पिताजी के साथ ऑफिस रूम की तरफ चले गए। ऑन दिस वे, इस रास्ते में थ्रो ए लुक ऑफ एपियल, एपियल मतलब होता है याचना करना या विनती करना। एट हिज मदर, वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए याचना कर रहा था। एंड सी सेड, व्हाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, यानी इसी बीच जो है वह याचना करता है अपनी माँ से, और उसकी माँ कहती है स्वामीनाथन के पिताजी को कि इसको आप ऑफिस रूम की तरफ क्यों ले जा रहे हैं। ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक, उसकी माँ ही कह रही है वह हॉल में ही सो सकता है मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। फादर से, उसके पिताजी कहते हैं मैं ऐसा नहीं सोचता। एंड स्वामीनाथन स्लंक बिहाइंड हिम विथ बाउड हेड, यानी सर झुकाते हुए उनके पीछे वह छिप गया। स्लंक मतलब होता है छिप जाना। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर प्लीड, फादर से वह निवेदन करते हैं स्वामीनाथन कि मुझे हॉल में ही सोने दीजिए। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे वी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, यानी कानून की किताबें जो आपके ऑफिस में रखा हुआ है उसके आसपास उसके बीच में ढेर सारा स्कॉर्पियंस यानी मकड़ियाँ ढेर सारा वहाँ पे रहते हैं, और आपका ऑफिस जो है ना गंदा है, तो वहाँ हम नहीं सोने के लिए जाएंगे, मुझे आप हॉल में ही सोने दीजिए। देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, मेरे साथी छोटे साथी मेरे रूम में मेरे ऑफिस में वहाँ कोई स्कॉर्पियन नहीं है, कोई मकड़ी वगैरह नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, यदि तुम पसंद करते हो तो इस बेंच पर सो सकते हो। Will you at least the door open? वही लड़का निवेदन करता है कि क्या आप दरवाजा खुले छोड़ सकते हैं, यानी दरवाजा खुले छोड़ सकते हैं। All right, but promise you will not go to your granny's side at night. तो उनके पिताजी कहते हैं ठीक है, लेकिन यह वादा करो कि तुम ग्रैनी के जहाँ पर ग्रैनी सोया हुआ है रात में वहाँ सोने के लिए नहीं ना जाओगे। इफ़ यू डोंट डू इट, यदि तुम ऐसा करते हो, माइंड यू, याद रखो, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तो तुम्हें स्कूल में हंसने का पात्र बना दूंगा। स्वामीनाथन फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, स्वामीनाथन जो है महसूस किया कि मैं मानवता से कट करके कहीं और चला गया हूँ। ही वॉज पेंड एंड एंग्री, उसे दर्द और गुस्सा हो रहा था। ही हेटेड न्यूज़पेपर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, वह उसे नफरत करने लगा जो न्यूज़पेपर में जो अखबार में टाइगर का स्टोरी प्रिंट किया हुआ था छपा हुआ था उससे वह नफरत करने लगा। ही विश्ड दैट द टाइगर हैडंट एस्पायर्ड, ही विश्ड उसे आशा थी कि
that the tiger had not spared. यानी टाइगर के पास जो है ना दया या दया नहीं होती है या वो उसे नहीं बच सकता है. आगे थोड़ा और कर ही देते हैं आपको तो अच्छा लगेगा. यहाँ पे कह रहा है ही विश्ड, उसे आशा थी दैट द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड. टाइगर के पास दया नहीं होती है द बॉय, बॉय के लिए. हु डिड नॉट अपीयर टू बी ए बॉय, वह बॉय के सामने नहीं आया होगा आफ्टर ऑल बट ए मॉन्स्टर. लेकिन इन सबों के बावजूद भी यह एक मॉन्स्टर का मतलब होता है कि राक्षस, एक राक्षसी ही होगा. As the night advanced and the silence in the house deepened, कह रहा है यहाँ पे जब रात बीतता गया और रात होते चला गया, एडवांस्ड मतलब आगे बढ़ना, यानी रात आगे बढ़ता गया. एंड द साइलेंस इन द हाउस, और जो हाउस है वो बिल्कुल साइलेंस हो गया, बिल्कुल ही शांत हो गया, बिल्कुल बहुत गहरी शांत हो गया. हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका जो हृदय की गति है वह बहुत तेज हो गया. I remembered all the stories of her devils and ghosts he had heard in his life. वो अपने जीवन में जितना भी भूत प्रेत की कहानियाँ सुना था उस सारे के सारे उनके जीवन में वह याद आने लगा उनको. He was faint with fear, वह डर के मारे हिलने लगा. ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट, एक प्रकाश की रोशनी जो हाउस के बाहर में जल रहा था, वो स्ट्रीट लाइट होता है, वह स्ट्रेड इन ए कास्ट शैडो ऑन द वॉल थ्रो द स्टिलनेस, वो शांत होने के कारण उसके दीवार पर एक शैडो यानी एक परछाई बन रहा था. All kinds of noise reaches his ears, और सभी प्रकार की आवाज़ें उनके कानों तक पहुंच रहा था, जैसे कि टिकिंग ऑफ क्लॉक, यानी घड़ी की जो टिक 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 आवाज़ है वह उसके कानों तक पहुंच रहा था. द रस्टल रस्टल ऑफ द ट्रीज, या और पत्तियों की सरसराहट, यानी पेड़ की जो पत्ती की सरसराहट है वो भी उनके कानों तक पहुंच रहा था. द साउंड ऑफ स्नोरिंग, जो खर्राटे की आवाज होती है, स्नोरिंग मतलब तो खर्राटा होता है, खर्राटे की आवाज भी उनके पास पहुंच रहा था. एंड सम नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और रात में जो कुछ कीट पतंगे होती है, कुछ जीव जंतुएं होती है जो रात में ही आवाज करते हैं, उसकी भी आवाज उन तक पहुंच रही थी. स्वामीनाथन हियरिड गॉट अप एंड ले डाउन अंडर द बेंच, वह जल्दी से उठ गया और बेंच के नीचे जाकर के छिप गया. इट सीम्ड टू बी ए मच सेफ प्लेस, उसे ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही सेफ प्लेस है, सुरक्षित जगह है. मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग, यह दोबारा निश्चित हो गया, आश्वस्त होगा कि इसकी अपेक्षा नहीं, दूसरे जगह रहने की अपेक्षा है कि यह सुरक्षित जगह है. ही शट हिज आइज टाइट एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल अस्लीप, वह अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर लिया और पूरा टाइट कर लिया, पूरा करा कर लिया और अपने आप को अननोन कर लिया और वह सो गया. ये टाइगर वाज चेसिंग हिम, और उसे लग रहा था कि एक टाइगर जो है वह चेस कर रहा है उसको, उसका पीछा कर रहा है.
स्वामीनाथन ग्राउंड ही इन डिस्पेयर, वह निराशा से कांप रहा था। स्वामीनाथन जो है निराशा से कांप रहा था। एंड हाउ व्हाट वाज दिस रेसलिंग, और वह रेसलिंग, वह जो कुश्ती है, कैसा होगा, कैसा हुआ होगा। समटाइम्स समथिंग वाज मूविंग, कुछ उसके दिमाग में मूव कर रहा था, चल रहा था ऐसा कुछ। His end had come, उसका जो अंत है आ गया। He realized, वह महसूस किया, that the devil would presently pull him out and tear him, कोई devil है, कोई प्रेत आत्मा है कि उसके पास वर्तमान में आ गया है और उसको खींच रहा है और फाड़ रहा है। पुल मतलब खींचना और टियर मतलब फाड़ना, उसको खींच करके फाड़ रहा है। एंड सो हुआ है ऐसा, एंड सो हुआ है शुड ही वेट, और ऐसा इसलिए हुआ, इंतजार कर रहा है। एज इट कम नियर, जो ही उसके पास आया, ही क्राउड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट एंड यूज हिज टीथ ऑन इट लाइक ए मोर्टल वेपन्स। वह क्रॉल्ड, क्रॉल्ड मतलब होता है घिसकते हुए, घिसकते हुए वह बाहर आया और उसको जोर से पकड़ लिया। विथ ऑल माइट, जो जितना ताकत उसके पास था उस पूरे ताकत के साथ उसको पकड़ लिया। एंड यूज हिज टीथ, और अपने दांत का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए उसको, मॉर्टल मतलब होता है अमरणशील, यानी जो अमर है उसके पास में दांत, वो अपने दांत को हथियार के तौर पे उसका उपयोग करके उसको चीरने लगा। और कहता है अयो, अयो एक डायलॉग है जो कि साउथ इंडिया का है, वो बहुत ही अच्छा है, हमेशा यह बोला जाता है उधर की तरफ, अयो समथिंग हैज बीटन मी, अयो लगता है कुछ मुझे काट लिया है। वेंट फोर्थ एगोनिस्ट, एगोनिस्ट थंडरिंग क्राई एंड वाज फ्लोर्ड बाय ए हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग एमिस्ट फर्नीचर। उसके बाद वो देखता है वेंट फोर्थ, वो सीधे आगे की ओर चलता चला गया। एगोनिस्ट में संतप्त होता है, थंडरिंग यानी वह थपथपाते हुए आगे की ओर चलता चला गया, क्राई रोते हुए। एंड वाज फ्लोर्ड बाय ए हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग एडमिस्ट फर्नीचर, और बहुत बड़ा जो है एक मजबूत सा एक फर्नीचर का एक टुकड़ा ले लिया वहां पे और आगे बढ़ता चला गया। इन ए मोमेंट, उसी क्षण फादर द कुक एंड ए हेल्पर कैम इन केयरिंग लाइट्स, उसी बीच उनके पिता और उसका जो हेल्पर है कुक ए हेल्पर, और एक जो रसोईया है और एक हेल्पर है, वो लाइट के साथ वहाँ पे आ गया। एंड ऑल ऑफ देम ऑफ द बर्गलर, और उसी में से सारे के सारे जो है देखा कि वहाँ पे एक सेंधमार है। सेंधमार मतलब होता है जो दीवार को काट देता है ना, उसको बोलते हैं सेंधमार। हु ले एमिस्ट द फर्नीचर विथ ए ब्लीडिंग एंकल, वो देखता है कि एक सेंधमार जो है, एक सेंधमार उसको चोर बोल सकते हैं, वही फर्नीचर के बीच में वह पड़ा हुआ है और उसके पैरों से, उसके एंकल मतलब होता है खिल्ली, खिल्ली से उसका खून निकल रहा है। कंग्रेचुलेशंस वेयर शॉर्ट ऑन स्वामीनाथन द नेक्स्ट डे, अगले दिनों उसको कंग्रेचुलेशन दिया गया, उसको बधाइयां दिया गया। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम
with respect and his teacher patted his back. उसके जो जितने भी साथीगण थे उसको कॉन्ग्रेचुलेशन किया, उसको बधाइयाँ दिया और रिस्पेक्ट की नज़रों से उसको देखने लगा, आदरपूर्वक उसको देखने लगा, और उनके जो टीचर थे इसको पीठ थपथपाया। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज ए ट्रू हीरो। उसके जो हेडमास्टर हैं, जो प्रधान अध्यापक हैं, वो कहते हैं यह ही एक सच्चा हीरो था। स्वामीनाथन हैड बीटन इन टू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोस्टोरियस हाउस ब्रेकर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द पुलिस। वी आर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। कहते हैं स्वामीनाथन बीटन इन टू द फ्लैश। उसको प्रोत्साहन करते हुए कहते हैं स्वामीनाथन ने उसको काट लिया। किसको? जो हाउस ब्रेकर था। हाउस ब्रेकर अभी तुरंत बताएं, चंदमार उसको बोलते हैं, चंदमार बर्गलर को चंदमार बोलते हैं या हाउस ब्रेकर भी बोलते हैं। स्वामीनाथन का उत्साह बढ़ाते हुए, प्रोत्साहन करते हुए कहते हैं कि स्वामीनाथन ने उसको काट लिया। वन ऑफ द मोस्ट नोस्टोरियस, नोस्टोरियस मतलब होता है कुख्यात। कुख्यात का मतलब ये होता है बहुत ही खतरनाक, जो हाउस ब्रेकर था यानी सिंधमार था ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट भर के लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक घर तोड़ने वाला सिंधमार था। एंड द पुलिस, और उसको पुलिस भी ढूंढ रही थी। वी आर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ तुम्हारे लिए। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर कहता है व्हाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू ग्रो अप। तुम बड़े होकर के क्यों नहीं पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हो, पुलिस बन जाते हो। स्वामीनाथन सेड फॉर द सेक ऑफ पुलिसनेस। वह पुलिसनेस के खातिर यानी पुलिस के खातिर, सेक मतलब होता है खातिर यानी वह सॉरी पोलाइटनेस, यहाँ पोलाइटनेस है, वो पोलाइटनेस के खातिर कहता है सर्टेनली, निश्चित रूप से, यस हाँ मैं निश्चित रूप से ऐसा करूँगा। द ही हैड क्विट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजीनियर, इंजन ड्राइवर, रेलवे गार्ड और ए बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। यानी उसके अंदर में ये था, इस पहले से माइंड मेकअप कर रखा था स्वामीनाथन, या तो हम इंजन ड्राइवर बनेंगे रेलवे का, या गार्ड बनेंगे, या बस कंडक्टर बनेंगे अब आगे चलकर। उसके दिमाग में था कि हम ये सब चीज़ बनेंगे। इसके बावजूद भी वह कहता है पोलाइटनेस के खातिर कि मैं पुलिस ही बनूंगा। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब नाइट, वह क्लब नाइट से जब वह वापस आया, फादर आस्क्ड वेदर इज द बॉय, वेयर इज द बॉय, लड़का कहाँ है। ही इज स्लीप, वह सो रहा है। Where is he sleeping? वह कहाँ सो रहा है। In his usual place, mother said casually. जो सामान्य भाषा है, casual भाषा है, उसी भाषा में उनकी माँ बोलती है In his usual place, वह अपने जो सामान्य जगह है जहाँ पे सब दिन वो सोते हैं वहीं पे सोया हुआ है। He went to bed at 7:30. वह 7:30 बजे ही सोने के लिए चला गया। स्लीपिंग बिसाइड्स हिज ग्रैनी अगेन, ग्रैनी अगेन, ग्रैनी के बगल में ही सोया हुआ है। फादर सेड, फादर कहता है नो वॉन्डर, इसमें आश्चर्य नहीं। ही वॉन्टेड टू बी ए स्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ही वांटेड, वह चाहते हैं टू बी ए स्लीप बिफोर वह सो जाए, आई कुड रिटर्न होम, जब तक मैं वापस आ जाता हूँ। वो क्लेवर बॉय के लिए, होशियार लड़कों के लिए, बहादुर लड़कों के लिए ऐसा बोल करके वो चले गए। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, मदर लॉस्ट हर टेम्पर का मतलब ये है कि गुस्सा में आ जाना, उसकी जो माँ है, स्वामीनाथन की जो माँ है, वह गुस्सा में आ गई और कहती है यू लेट हिम स्लीप, उन्हें आप सोने दीजिए, वेयर ही लाइक्स, वो जहाँ चाहता है वहाँ आप सोने दीजिए, यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, आपको उसके जीवन में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। फादर मम्बल्ड, फादर भुनभुनाया एज ही वेंट इन इनटू द चेंज, जो ही उसमें बदलाव हुआ, जो कुछ भी बदलाव हुआ उसमें भनभनाते हुए कहते हैं ऑल लाइट, ठीक है। यानी उसकी माता में जो बदलाव हुआ, स्वामीनाथन की जो माँ में जो बदलाव हुआ, उसको बदलाव को देखते हुए वो उनके पिता भुनभुनाते हुए कहते हैं कि ठीक है। मोलिकॉडल, मोलिकॉडल हिम एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टर। मोलिकॉडल मतलब होता है, मोलिकॉडल का मतलब होता है कि मोलिकॉडल हिम, उसे ज़्यादा उत्साह ना बढ़ाएं, एज मच एज यू लाइक, जैसा आप चाहते हैं, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टर वर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही दोष मत दिया करें। स्वामीनाथन फ्लोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, और ये सारा का सारा जो कन्वर्सेशन है वह ब्लैंकेट यानी कंबल के अंदर, सोते हुए कंबल के अंदर में वो सारा कुछ सुन रहा था। फेल्ट ट्रेमेंडियसली, आगे देखिए क्या कर रहा है, स्वामीनाथन फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट यानी कंबल में रहते हुए सारा का सारा कन्वर्सेशन वो सुन रहा था, फेल्ट और महसूस कर रहा था, ट्रेमेंडियसली बहुत ही खतरनाक ढंग से, रिलीव दैट हिज फादर हैज गिविंग अप ऑन मी, और बहुत ही रिलीफ महसूस किया, बहुत ही रिलीफ का मतलब होता है कि एकदम शांत महसूस किया कि वो फादर उनको आज छोड़ दिए हैं वहाँ पे। तो आपने देखा कि एक लड़का जो हीरो कैसे बन जाता है, अपने साहस, अपने जो ब्रेव है, बहादुरी है, उसके द्वारा वह एक हीरो बन जाता है और मुकाबला करता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दें, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब मुझे प्रोत्साहन करता है, मुझे हौसला अफसाइल करता है, इनकरेज करता है।